Hello everyone, welcome back to my channel. मैं हूं हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है की बुक से स्टेटमेंट। जिसमें अभी हमारी जो टॉपिक चल है, जब आपको का balance, मतलब होता है, हमें पासबुक को देखकर अपनी मैचिंग कर रही होगी ये हम कर रहे हैं अब नेक्स्टेशन करने जा रहे हैं स्क्रीन पर फॉर द ईयर एंडेड टू थाउंड देखो हमेशा जैसे कैश बुक होती है या फिर आपका जैसे बी आर एस बन रहा है मैचिंग कर रहे हो तो मंथ वाइज होती है अब जैसे इसमें थर्टी फर्स्ट मार्च है तो मार्च वाले मंथ की सारी जो इक्वेश होंगी वो वैलिड होंगी और अगर उसके बाद के मंथ की कोई इक्वेशन आती है तो उसको जीरो मान लिया जाता है नंबर वन है आउट ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड पेड इन बाय चेक इन टू बैंक ऑन ट्वेंटी अप्रैल Out of cheque drawn amounting to Rs. 15,600 on 28 March, a cheque for Rs. 5,000 was presented on 3rd April. Number C, a cheque for Rs. 2,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March. Number D, a cheque for Rs. 1,200 deposit in bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by the bank on 29 March. बाकी के क्वेश्चन ने सब बोर्ड पे नोट डाउन करी है और उसको हम वन बाय वन करके दिखाएंगे आपको अब देखो हमने आज क्या किया लास्ट जितने भी हमने हिल किए मैंने यहाँ पर पहले नोट डाउन की थी सारी इक्वेशंस लेकिन आज मैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कराऊंगी मैंने नोट डाउन कर दिए इसके बीच में लेकिन आपको हर इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको सिर्फ मेन कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट प्लस में जाएगा और कौन सा अमाउंट आपका माइनस में जाएगा वो मैं हर एक इक्वेशन में आपको करके दिखाऊंगी सबसे पहले आपको ये चेक करना है बी में कि आपका जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो कौन सी डेट तक वैलिड होगा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था थर्टी मार्च तो आप यहाँ पर पहले लिख लेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च सबसे पहले नंबर में आपको ये चीज चेक करनी होती है एंड दूसरी चीज कि आपको बैलेंस किसका दिया हुआ है बैलेंस क्या होता है देखो ये नोट डाउन कर लो बैलेंस इसको तो एक चार्ट पे बना लिया करो बैलेंस बैलेंस आपको चेक करना है कि कैश बुक का है या फिर पासबुक का है हमने क्वेश्चन रीड किया था तो अभी पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने रीड नहीं किया था फर्स्ट फोर की थी लेकिन लास्ट में आप सबसे लास्ट में आप चेक करना कि आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है हर दोनों के ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है अपोजिट होती है कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था वो कौन सा होता है डेबिट और क्रेडिट ऐसे ही इसका भी क्या होता है डेबिट और क्रेडिट सबसे पहले बीआरएस का क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चार्ट हर बार आपको एग्जाम में नीचे वर्किंग नोट में बनाना है इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी आपको डेबिट बैलेंस दिया था इसका कैश बुक का डेबिट का मतलब क्या होता है प्लस पैसा आना और पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आना इसमें डेबिट प्लस होता है तो इसमें क्या होगा क्रेडिट प्लस होगा क्योंकि तो दोनों इसके अपोजिट होते हैं अब कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है माइनस होता है तो इसका डेबिट माइनस होता है तो हमें क्या हुआ है इनमें से किसी एक बैलेंस से पहले स्टार्ट करना होता है हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट तो पॉजिटिव बैलेंस दिया है हम क्या लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव वाले कॉलम में लिखेंगे हमें अमाउंट दिया था सेवन नाइन वन फोर जीरो जीरो या सबसे ऊपर लिख लोगे ऐसे मैंने स्पेस थोड़ा सा भूल गई थी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपका इसकी फर्स्ट इक्वेशन अब मैं हर इक्वेशन का करके बताऊंगी कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस आपकी बुक में क्या पहले प्लस वाली आइटम्स लिखी है और नीचे माइनस वाली लिखी है तो अब प्लस वाली प्लस वाले कॉलम में लिख दो माइनस वाली माइनस वाले में लिख दो बस इजी हो जाएगा नंबर वन अब दूसरी चीज सबसे पहली बात हमने देखी कि वाइज दूसरी चीज अब जिसके बैलेंस से आप स्टार्ट करोगे हमने कैश बुक के बैलेंस पॉजिटिव है या फिर है हमें ये तो पता लग गया हमें देखकर किसको चलना है पासबुक इस पे आप टिक लगा लो कि जितना अमाउंट आपका पासबुक में होगा ना उतना ही बैलेंस आपको सेम कैश बुक में मैचिंग करनी है बस इतनी सी चीज नंबर वन आप सबसे पहले वन बाय वन करेंगे आउट ऑफ चेक थर्टी फाइव थाउजेंड आपने थर्टी फाइव थाउजेंड के चेक पेड इन टू बैंक पेड का मतलब होता है डिपोजिट आपने क्या किया डिपोजिट करने के लिए भेजे कितने के, पर कितने हुए? Passbook का मतलब bank. हमने क्या किया देखो, अब ध्यान से समझना कि हमने सोचा कि थर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पर क्या हो जाएंगे अपने हमने अपनी बुक में क्या कर दिया प्लस कर दिया कि हमने ये सोचा कि बैंक में जाके थर्टी फर्स्ट मार्च तक यहाँ पर थर्टी फर्स्ट मार्च तक यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे हो जाने चाहिए थे लेकिन उसमें से सिर्फ वहां पर कितने प्लस हुए ओनली फिफ्टीन थाउजेंड के जो हुए कलेक्टेड हुए कब हुए फाइव अप्रैल को तो दिस मीन इसमें से ही ये जो फिफ्टीन थाउजेंड वाला है फिफ्टीन थाउजेंड वाला जो है वो जीरो है अगर कोई चीज आपकी Uh, जिस डेट पे आपको बनाना है थर्टी फर्स्ट मंथ उसके बाद की अगर कोई डेट दी होती है ना उस डेट के वाला जो अमाउंट होता है वहां पर वो क्या होता है जीरो होता है उसने बोला थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस होना चाहिए था लेकिन वहां पर थर्टी फाइव थाउजेंड में से पंद्रह हजार रुपए के क्या हुए अप्रैल में हुए तो जो बाद की डेट है वो पंद्रह हजार रुपए की ट्रांजेक्शन क्या है वहां पर जीरो है अब हमें क्या करना है दिस मीन्स जब ऐसे दो अमाउंट होते हैं उसको दो तरीकों से कर सकते हो थर्टी फाइव है इसके दो कॉलम बना लो एक फिफ्टीन थाउजेंड वाला और दूसरा क्या हो जाएगा ट्वेंटी था ऊपर प्लस का साइन है तो दोनों ऐसे प्लस लगा लो क्लियर हो गया तो दिस मीन्स ये जो ट्वेंटी थाउजेंड है ना यहाँ पर ये ट्वेंटी थाउजेंड क्या है इसकी मैचिंग यहाँ पर हो गई है इसको कट कर दो तो दिस मीन्स यहाँ पे तो क्या है ये जीरो है पंद्रह हजार रुपए वाला और मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे प्लस कर रखा है तो मुझे बराबर जीरो बैलेंस लाना है यहाँ पर क्या है जीरो इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिफ्टीन थाउजेंड को माइनस करना पड़ेगा तभी मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा दोनों के इक्वल हो जाएगा तो दिस मीन्स इस वाली फर्स्ट एंट्री में फिफ्टीन थाउजेंड कौन से कॉलम में जाएंगे माइनस वाले कॉलम में इक्वेशन वन क्लियर नंबर टू इसी का जस्ट अपोजिट जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दो अमाउंट दिए होंगे ना तो आपको उसको ऐसे चार्ट बना लेना है देखो अब नेक्स्ट वाले में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको उन्होंने क्या बोला चेक ड्रॉन चेक ड्रॉन का मतलब इशू हमारे पेमेंट करनी है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऑन ट्वेंटी एट हमने अपने बिजनेस में हम अपने बिजनेस में किस में एंट्री करते हैं में हमने क्या किया कैश बुक में फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स की पेमेंट कर दी बट फाइव थर्ड अप्रैल को दो अमाउंट है ना आपके देखो दो अमाउंट पहले आप कैश बुक में उसको दो अमाउंट का चार्ट बनाओगे हमने कितने इशू किए फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमने सोचा फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमारे बैंक से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे तो पहले इसके यहाँ पर चार्ट बना लो कितना हुआ दूसरे अमाउंट का कितना है फाइव थाउजेंड तो माइनस लगाया यहाँ पे ऐसे माइनस लगा लो एक फाइव थाउजेंट वाला और दूसरा के इतना हो जाएगा टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वाला अब वो ऐसे दोनों दो चेक उन्होंने डिवाइड कर दिए तो दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया अब वो क्या कह रहे हैं बैंक में क्या हुआ यहाँ पासबुक में क्या हुआ थर्ड अप्रैल को क्या हुआ पांच हजार वाला प्रेजेंट हुआ मतलब यहाँ पे पासबुक में क्या हुआ पांच हजार वाला जो है ये पांच हजार वाला जो माइनस हुआ है वो थर्ड अप्रैल को है और जो बाकी का जो दस हजार छ सौ है वो थर्टी फर्स्ट मार्च को है अब हमें तो थर्टी फर्स्ट मार्च की मैचिंग करनी है तो थर्टी फर्स्ट मार्च की ये वाली इससे क्या हो गई कट गया अब ये जो थर्ड अप्रैल वाला है ये क्या है यहाँ पर जो थर्ड अप्रैल वाला होता है वो क्या होता है जीरो होता है वो क्या होता है जीरो क्योंकि उसकी ट्रांजेक्शन वहां पर नहीं हुई है वो थर्टी फर्स्ट मार्च को नहीं हुआ ये यहाँ पर क्या है जीरो है अब ये तो मैचिंग हो गए अब ये हमें किसको देखकर चलना है पासबुक को ये फाइव थाउजेंड यहाँ पर क्या है जीरो है तो मुझे भी इसको क्या करना है सेम जीरो करना है मुझे जीरो करने के लिए इसमें कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा तभी ये जीरो होगा तो मेरा फाइव थाउजेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो थर्ड ट्रांजेक्शन में जो आपका बी वाला है इसमें फाइव थाउजेंड क्या होगा प्लस होगा ये आपका इसका है और ये आपका सेकेंड वाले का है क्लियर नेक्स्ट वाला आ जाते हैं सी पे अ अचे टू थाउजेंड कैश बुक एंटर्ड का मतलब प्लस आपने चेक कैश बुक में क्या किया टू थाउजेंड एंटर किया देखो हर इक्वेशन में आप करके देखोगे तभी आपको समझ आएगा अचेक टू थाउजेंड एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक हमें कहीं से चेक मिला होगा हमने कैश बुक में डाल दिया अपने बिजनेस में डाल दिया हमने बिजनेस में क्या किया टू थाउजेंड यहाँ पे क्या किया प्लस कर दिया लेकिन पासबुक में तो वो हमने भेजा ही नहीं है पासबुक मतलब बैंक में पासबुक का मतलब बैंक यहाँ पर ये क्या है जीरो है बैंक में क्या है वहां पे जीरो ना जो चीज नहीं होती ना वहां पे वो जीरो कर दो वहां पे जीरो है तो मुझे इसके बराबर बैलेंस लाना है मुझे इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2000 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तभी तो दोनों इक्वल होंगे जीरो तो मेरे को 2000 ये पहले इस वाली एंट्री में क्या जाएगा 2000 माइनस वाले कॉलम क्लियर हो गया हर इक्वेशन में आपको करके देखना है डी वाली अ चेक डिपॉजिट 1200 इन बैंक बट ओमिटेड इन कैश बुक इट्स वेरी गुड एंट्री देखो वो क्या कह रहा है देखो एक चेक था डिपॉजिट हमने जमा करने के लिए भेजा 1200 रुपए का बैंक में लेकिन कैश बुक में हम भूल गए अब हम अपने बिजनेस में एंट्री करना भूल गए तो दिस मींस ये जो 1200 पे हैं ये 1200 यहाँ पर क्या हो गए प्लस हो गए अब मुझे यहाँ पे कैश बुक में क्या है यहां पे कोई एंट्री नहीं हुई तो यहाँ पर जीरो है अब मुझे किसको देखकर चलना है पासबुक में पासबुक में कितना टोटल है 1200 मुझे भी यहां पर टोटल कितना करना है 1200 तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1200 को प्लस करना पड़ेगा इसलिए इसकी एंट्री कहां पे जाएगी 1200 ये वाले की प्लस कॉलम में क्लियर हो गया नेक्स्ट वाली एक डिस्काउंटेड बहुत अच्छी एंट्री है एक चेक डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड वाला पहले समझो क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं आया अभी तक एक चैप्टर था ये कट चुका है बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से था कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चेक देता है ठीक है हमें वो बाद की डेट का होता है कि वो जैसे मान लो आज दस तारीख है टेन डेट है हमें किसी ने चेक दिया ट्वेंटी डेट का कब का दिया नेक्स्ट मंथ की ट्वेंटी डेट का अब मुझे आज ही पैसे चाहिए मुझे अगर जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में एक महीने के बाद आने थे वो मुझे आज चाहिए तो बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप उसे डिस्काउंट करा सकते हो मतलब टेन थाउजेंड का अगर चेक है तो उसमें से आप क्या करोगे वन थाउजेंड की वो डिस्काउंट काट लेगा तो आपको नाइन थाउजेंड आज मिल जाएंगे मतलब जहां आपको टेंथ और जो टेन थाउजेंड एक महीने के बाद आने थे आपके बैंक में वो बैंक में आ जाएंगे एक महीने के बाद तो बैंकों क्या होगा बैंकों वहां से क्या होगा उसने हमें आज कम दे दिए और अगले महीने को उसको पूरे टेन थाउजेंड मिल जाएंगे बैंकों क्या हो गया फायदा हो गया तो हम क्या करते हैं डिस्काउंट बोलते हैं उसको एक चेक हुआ आपने 1040 का डिस्काउंट कराया डिस्काउंट चार्जेस कितना 40 मतलब आपको 1040 मिलने की मिले होंगे ना तो डिस्काउंट चार्जेस 40 कट गए होंगे हैज डिसोनर डिसोनर का मतलब होता है कि जो एक महीने बाद आपके बैंक में पैसे आने थे ना वो वहां पर नहीं आए हैं जीरो है मतलब अब वो क्या हुआ आपको एडवाइस कब मिली है वो थ्री अप्रैल को मिली है कब मिली है थर्ड अप्रैल को अब आपने क्या किया चेक तो डिस्काउंट करा लिया आपके अकाउंट में तो पैसे आ गए लेकिन वहां पर वो क्या है जीरो है की हम क्या करेंगे देखो हमने क्या किया इश्यू किया हमने क्या किया डिस्काउंट करा लिया आपको क्या हो गया वन जीरो फोर जीरो आपको मिल गए हमने तो हमारे पास तो पैसे आ गए लेकिन वो वहां पर क्या है यहाँ पर जीरो है यहाँ पर क्या है जीरो क्योंकि उस पर्सन ने पैसे कब दिए वो क्या हो गया हो गया मतलब जिस पर्सन ने बैंक में हमारे पैसे डालने थे ना वहां पे वहां पर पैसे नहीं आए हैं तो अब क्या करोगे हमें तो यहाँ पर का टोटल क्या है पासबुक में जीरो है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा इसको जीरो करना पड़ेगा जीरो करने के लिए मुझे सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी इस वाले की एंट्री माइनस वाले कॉलम में नेक्स्ट एंट्री सेम इसी की तरह लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है एक चेक डिस्काउंटेड आपने फिर से चेक डिस्काउंट करा है 20000 का डिस्काउंट चार्जेस कितनी है 300 बट अमाउंट ऑफ चेक वो कह रहा है कि चेक का अमाउंट चेक का अमाउंट कितना है 20000 डेबिटेड मतलब इन कैश बुक कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस आपने चेक का अमाउंट क्या कर दिया डेबिट कर दिया इन बैंक कॉलम में। अब एक बात बताओ मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें पैसे जल्दी चाहिए तो वो डिस्काउंट क्या हो जाती है कट जाती है जैसे ट्वेंटी थाउजेंड है इसमें से थ्री हंड्रेड रुपीज कट के होने चाहिए थे हमने क्या किया देखो हमने क्या करना है कि आपने क्या किया यहां पर पूरे ट्वेंटी थाउजेंड प्लस कर दिए आपने पूरे ट्वेंटी थाउजेंड प्लस कर दिए, लेकिन आपको थ्री हंड्रेड रुपीज कट करके क्या करना करना चाहिए चाहिए था, था, प्लस यहाँ पे इसमें से थ्री हंड्रेड काट दो ट्वेंटी थाउजेंड मतलब आपने क्या किया थ्री हंड्रेड ज्यादा लिख दिए ट्वेंटी थाउजेंड प्लस कर दी करने थे लेकिन आपने कितना कर दिया ये करेक्ट अमाउंट है आपने कितना प्लस करना चाहिए था डिस्काउंट आपके पास पैसे कितने आएंगे डिस्काउंट कट के आएंगे आपने कितना प्लस करना चाहिए था 19700 लेकिन वहां पर तो क्या हुआ कैश में क्या हुआ वहां पर क्या होगा कि बट अमाउंट ऑफ चेक डेबिटेड इन कैश बुक इन बैंक कॉलम आपने बस उसमें बैंक का कुछ नहीं कह रहा है बैंक का कुछ भी नहीं कह रहा है यहां पर कितना है आपका 19700 करना चाहिए था आपने कितना कर दिया है ट्वेंटी थाउजेंड आपने क्या किया है थ्री हंड्रेड रुपीज ज्यादा कर रखे हैं आपने थ्री हंड्रेड रुपीज क्या कर रखे हैं ज्यादा प्लस कर रखे हैं तो उसको क्या कर दोगे आप कम कर दोगे थ्री हंड्रेड रुपीज यहाँ पे क्या कर देंगे थ्री हंड्रेड रुपीज माइनस कर देंगे क्लियर हो गया वो वेरी सिंपल कह रहा है हमें बैंक कॉलम में कितना डालना चाहिए था डिस्काउंट काट के लेकिन आपने पूरा डाल दिया गलत डाल दिया थ्री हंड्रेड रुपीज ज्यादा डाल दिया तो थ्री हंड्रेड को क्या कर दोगे आप इसको कम कर दोगे वो बैलेंस इक्वल हो जाएगा क्लियर है अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली एंट्री अ चेक ऑफ रूपीज फाइव हंड्रेड रोंगली क्रेडिटेड इन पासबुक क्रेडिटेड का पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस होता है पासबुक में क्रेडिट का मतलब पासबुक में वो क्या कर रहा है एक चाहे वो देखो पासबुक में चाहे गलत हो रखा है चाहे सही हो रखा है रोंगली क्रेडिटेड का मतलब पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है प्लस होता है लेकिन रिवर्स ऑन टू अप्रैल ठीक कब हुआ वो दो अप्रैल में हुआ बाद में हुआ लेकिन वहां पे क्या हो रखा है फाइव थाउजेंड यहाँ पे क्या हो रखे हैं प्लस हो रखा है यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है हमें तो पासबुक को देखकर चलना है यहाँ का टोटल कितना है फाइव थाउजेंड हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे फाइव थाउजेंड को प्लस कर देंगे तो इस वाली एंट्री कहाँ जाएगी ये फाइव थाउजेंड प्लस वाले कॉलम में नेक्स्ट देखिए बैंक सेम इसका जस्ट अपोजिट बैंक में गलती से क्या हो रखा है डेबिट हो रखा है टेन थाउजेंड बैंक में डेबिट का मतलब क्या होता है माइनस हो रखे हैं टेन थाउजेंड तो हम भी क्या कर देंगे हमें तो सेम लेकर चलना है बैंक में माइनस हो रखे हैं तो हम भी सेम कर देंगे इसकी एंट्री टेन थाउजेंड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे लास्ट एंट्री अ चेक ड्रॉन फोर हंड्रेड इन सेविंग अकाउंट सेविंग क्या होती है देखो आपकी कैपिटल होता है क्या होता है कैपिटल एक चेक था फोर हंड्रेड आपने कैपिटल अकाउंट में डाला बट ड्रॉन ऑन करंट अकाउंट इन कैश बुक लेकिन आपने कैश बुक में क्या कर दिया करंट अकाउंट में डाल डाले तो दिस मीन इसका मतलब क्या है इस एंट्री का नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इसका मतलब क्या है कैपिटल अकाउंट में डाला आपने अपना पैसा चार सौ रुपए तो वहां पर आपने नहीं डाला है फोर हंड्रेड रुपीज कैश बुक में आपने किस में डाल दिया गलत अकाउंट में डाल दिया हमने जिस साइड में प्लस करना था वहां पर नहीं डाला तो बस पासबुक में हुआ पड़ा होगा तो ये फोर हंड्रेड इसका तो कुछ करके देखना ही नहीं है तो ये फोर हंड्रेड किस में आ जाएगा प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा अब हम क्या करेंगे लास्ट में सारी एंट्रीज हमने कर ली उसके बाद हमें क्या करना होता है इसका टोटल करना होता है दोनों साइड्स का इस साइड का पहले टोटल कर लो प्लस वाले साइड्स का इसका जो आ रहा है वो नाइन जीरो सेवन फोर जीरो तो हमें दोनों साइड्स का टोटल करना होता है इधर का टोटल क्या है ज्यादा है और इधर का कम है इसमें से ये सारी आइटम को माइनस कर दो तो डिफरेंस बच रहा है सिक्स टू फोर जीरो जीरो हमने स्टार्ट कहां से किया था डेबिट बैलेंस कैश बुक का तो आंसर इसका जस्ट अपोजिट आता है लिखेंगे क्या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये हमारा इलेन सेवन था थोड़ा लेंथी था इतना बड़ा क्वेश्चन आपके वैसे एग्जाम में नहीं आता बट इसी में से कुछ एंट्रीज ऐसे आ सकती हैं हर एंट्री को आपको चेक करना है कि प्लस होगा या माइनस बहुत इजीली हो जाता है बहुत इजी चैप्टर है जो एंट्री अगर आपको अभी नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना उसका आंसर आपको मिल जाएगा